Hello guys, welcome back to Park Circus Football Club YouTube channel PCFC. Hello guys, I am meet Mohammed Afif from Start Me 65. We both are gonna present a video. It's a little bit vines related, so watch out the video. Don't forget to like, and last of all, if you are new to both of our channel, please do subscribe and share as much as you can. हेलो अफीफ, कल फ्रेंडली मैच रखा है 8 बजे, ठीक है, सुबह को। अरे भाई तू टेंशन मत ले, मैं 7 बजे आ जाऊंगा। ओके, आई विल बी देयर, नो प्रॉब्लम। हाँ, डोंट कम लेट, ओके, शार्प एट 8 एंड नो एक्सक्यूजेस, ठीक है। यार अफीफ अभी तक नहीं आया, नेवर कम्स ऑन टाइम, इट्स 8:20 राइट नाउ। कहाँ है यार, फोन भी नहीं लाया यार। अरे यार किसके लिए वेट कर रहा है, थोड़ा जल्दी से शुरू करिए ना। अच्छा, अरे एक प्लेयर आना था, नहीं आया अभी तक। यार किसके लिए वेट कर रहे हो, खेला शुरू नहीं करोगे, जल्दी से करो। अच्छा ठीक है ठीक है, चलो। क्या भाई, कैसा है भाई लोग, अपन मेन प्लेयर हीरो आ गया, हीरो आज मेरा ही गोल होगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज बैक। अरे भाई लोग सब कोई खेल रहा है, बॉल ले के क्या हुआ, इतना टाइम इतना लेट कर गया है, बहुत लेट हो गया। अबे यू कमिंग एट 8:30? मैन आई जस्ट केम ओनली 30 मिनट्स लेट, नथिंग मैटर्स यू नो। शुरू हो गया भाई, हमको प्रेशर दिया कि कब शुरू होगा, इट्स स्टार्टेड ऑफ। यू आर नॉट प्लेइंग टुडे, सॉरी, इट्स योर फॉल्ट। तू ऐसा करेगा, अबे सुन आज नहीं होगा, कैसे खेला भाई, मैं तेरे चैनल में सब्सक्राइब करूंगा, लाइक शेयर करना नहीं भूलूंगा। अभी जाओ, यू सिट डाउन, अब तू एवरी डे करता है ऐसा, तेरा प्रॉब्लम ऑल द टाइम ऐसा रहता है। ऐसा करेगा प्लीज भाई, मैं तुझे भाई बोल रहा हूं यार, तू मेरे साथ ऐसा करेगा, मेरे साथ ऐसा करेगा। भाई तू भूल गया वो दिन हम लोग एक ही चड्डी में पैड डाल के सुसु किया करते थे, प्लीज भाई खिला ले भाई, खिला ले मैं रो दूंगा। बॉल बॉय गो फेस द बॉल, गो फेस द बॉल, कम लेट ऐसे ही होगा, जा जा, कल के खेल भी, कल खेलेगा, कल तुझे बताऊंगा, देख नहीं कल सुबह तू प्रैक्टिस करने आएगा ना, तेरा ऐसा हालत करूंगा, ऐसा हालत करूंगा कि तू हो तेरे नानी के नानी को याद आ जाएगा तेरा। Della città.
bravo, Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo, Figaro, bravo, bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna non mancherà. A te fortuna, a te fortuna, a te fortuna non mancherà. Sono il fattatun della città, sono il fattatun della città, della città. पेले एक बॉल तो पैर में नहीं रहता है, केले को दे देता है और पेले बनेगा। अरे आफिफ, तू बैग लेके क्या कर रहा है? नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, सिंपली नहीं दूंगा, क्या कर लेगा? आफिफ थक गया यार, नौटंकी मत कर। नहीं करूंगा। यावे कैसा लगा? बैग ले लिया नहीं दूंगा। आधा घंटा लेट आया था, आधा घंटा तू नहीं खिलाया। फीफा खेल रहा था, फुटबॉल खेल रहा था, चैंपियंस लीग खेल रहा था, रोनाल्डो बन गया था बहुत बड़ा। क्या वे रोनाल्डो तो मैं हूँ। अबे तू पागल है क्या? अबे तू बैग लेके क्या करेगा? उसमें कुछ नहीं है। तू बैग लेके करेगा क्या? कथा कहेगा? बॉल बॉय बोल रहा था ना मुझे, बहुत बड़ा बॉल बॉय बोल रहा था ना। अब देख बॉल बॉय का कमाल। नहीं दूंगा। अरे मेरे बैग बूट पैक करके लेके जाना है, तू पागल है? ये सब बूट ग्रासी ग्राउंड के लिए यार। चलता हूँ घर से आके ले लेना। मजाक मत कर आफिफ। नहीं जा रहा हूँ, टाटा। आधा घंटा लेट आया, नहीं खिलाया। अबे थक गया तू, दिमाग गरम मत कर। दिल बैग का गया, आलू बेचने और लेने का बस्ता ला दिया है। वाह वाह, बैग नहीं लाया, चल छोड़ दे। So guys, you are able to understand and enjoy the message of the video. Instead of doing a monotonous review, I tried to weave a story within it. As suggested in the video, the Kipsta Lite team sports bag is indeed a very handy inexpensive product. It costs around 100 rupees and I own a couple of them. Even though a scenario like such shown in the video never occurs in real life, but in certain situations I wished I just had the Kipsta string bag with me. Firstly, if you go for regular practice and you just carry your football with you, a small foldable product is very useful. There is no worry of theft or damage caused if you keep your bag unattended. Such happened with me when I took my large duffel bag to practice. While practicing, I left the bag on the ground under a tree, hoping nothing happens to it. Even though there are no incidents of theft known which happened, I still checked my bag in between practice, but it never occurred to me that in spite of my precautions I had to find things the hard way. After practice I found out that the bag got damaged because a careless pedestrian flicked a finished cigarette on my bag. Since the bag was polyester, the tip of the cigarette immediately burned and damaged the zip portion of my duffel bag. I was really angry and disheartened by the incident, and after that never bought the bag during practice session at my playground. Over here, Kipsta, the light sports
bag became very useful as I could easily carry my football and my boots. During practice, I folded the Kipsta bag and kept it in my pocket, so no fear of theft or damage. The foldable feature of the bag keeps you worry-free, and now you can keep your mind in practice fully instead of peeking at your bag in between to make sure that everything is all right. For that, Kipsta does a great job to remove extra headache. It also helps you travel light if you carry just one or two items. Secondly, the bag is really useful to carry your boots after matches. If you don't wish to soil your carry bag after a football match, the Kipsta bag can act as an extra pocket to keep in the muddy, soiled boot. Hence, if you in case travel for football tournaments, the Kipsta light sports bag will definitely become handy. The bag is also easily washable because of its synthetic fabric. Just don't wash it in a washing machine or tumble dry it. So hope you guys appreciate the video. Let us know in the comment section your thoughts about the video and also the product from Decathlon. If you have any queries or suggestions, please free to express them in the comment section, and definitely support our YouTube channel by liking and sharing the videos that are made. Hope you guys get to know about football products and make better buying choices. We'll see you in the next video. Till then, goodbye.